नमस्कार, जेएनएन न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल यादव। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र। उन्होंने बताया बीजेपी सरकार नागरिक अधिकारों का हनन कर रही है। इतना ही नहीं, मुझे कार्यक्रम में जाने से रोका गया, लोकसभा अध्यक्ष तत्काल हस्तक्षेप करें, सांसद के विशेषाधिकारों का हनन किया गया है, मुझे नहीं मालूम था कि पुलिस मुझे कहां ले जाएगी। देखिए लखनऊ से जेएनआई न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट में कि हम अपने घर से ज्यादा किसान यात्रा के लिए निकलते हैं, किसानों को जागरूक करते हैं, किसानों में अपनी बात रखते हैं। जिस कानून को लेकर के पूरे देश का किसान नाराज है और दिल्ली घेर के बैठा है, क्यों नहीं ये सरकार कानून को वापस ले लेती है? और फिर वो बात कहाँ चली गई आय दोगुनी की? ये सरकार को किसान अभिशाप लगने जा रहा है। इस सरकार को ये सरकार बचने वाली नहीं है। पीएम कन्नौज कोरोना का करते हैं, आज ही बड़ा कार्यक्रम आगरा में हो रहा है सर। हम और आप लोग बैठे हैं, ये प्रशासन की वजह से बैठे हैं, सरकार की वजह से बैठे हैं। और अगर प्रशासन और सरकार चाहती तो ये हम लोग दूरी बना करके बैठे होते। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कोरोना नहीं है, कोरोना केवल विपक्षियों के लिए है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए कोरोना है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कोरोना नहीं है। वो कहीं सभाएं करें, देश में सभाएं कर लें, चुनाव प्रचार कर लें, उनके लिए कहीं कोरोना नहीं है। लेकिन क्योंकि विपक्ष को रोकना है इसलिए कोरोना है। और फिर कोरोना में भी कितने लोगों की जान गई, न जाने कितने प्रतिनिधियों के परिवारों की जान जा चुकी है। प्रतिनिधियों, जनता के प्रतिनिधि, उनकी जान गई है, डॉक्टर्स की जान गई, इंजीनियर्स की जान गई, अधिकारियों की जान गई। और इतने महीनों में अभी तक कोरोना से कोई बचाव नहीं कर पाई सरकार, और केवल लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है कोरोना के सहारे।